अरे मियाँ, योगी जी जैसी सरकार हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। खाई जी, मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये शब्द निकले हैं इस मुस्लिम चचा के मुंह से। लेकिन आखिर मदरसे पर बुलडोजर चलने के बावजूद भी ये मुस्लिम चचा योगी जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, यूपी में एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर जब इस मुस्लिम चचा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी जी को क्या पता बुलडोजर कहां पे चल रहा और कहां पे नहीं, ये तो हम सबकी अपनी कमी है। योगी जी जैसी सरकार हमने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पूरे यूपी से गुंडागर्दी एकदम खत्म हो चुकी है। एक दिन जब मैं तहसील के सामने 1,00,000 रुपए हाथ में लेकर गिन रहा था तो इतने में एक आदमी ने कहा कि चचा ये क्या कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला पैसे गिन रहे हो। इस पर मैंने कहा, अरे भाई, योगी बाबा की सरकार है, वो समय गया जब 10 रुपए के लिए चोर उचक्के इंसान की जान ले लेते थे। अब आम लोगों को चोर उचक्कों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा। लगता है भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से कोई युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए जानते हैं। दरअसल पीओके में मौजूद गिलगित और बाल्टिस्तान में लाखों लोग सड़कों पर आ चुके हैं और वहां पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं। वहां के लोगों का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही हम पर अत्याचार करता रहा तो वो पाकिस्तान की सीमा लांग कर भारत के कारगिल में शामिल हो जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने गिलगित और बाल्टिस्तान के नेताओं को जानबूझकर कैद कर लिया है। साथ ही बढ़ती महंगाई और बड़े बड़े बिजली के बिलों से भी पाकिस्तान के लोग, खासकर पीओके के लोग भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अब जिस तरह से तरक्की की राह पर चल चुके हैं उसी तरह से पीओके के लोग भी तरक्की की राह पर चलना चाहते हैं और उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये सब भारत के साथ ही पॉसिबल है। लगता है जल्दी पीओके अब पीओके नहीं रहेगा, वो भारत का अखंड हिस्सा बन जाएगा। स्टंपिंग के बादशाह एमएस धोनी की 5 ऐसी स्टंपिंग जिसमें उन्होंने बिजली की रफ्तार से स्टंपिंग करके बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। पहली, साल 2018 की ओडीआई सीरीज में धोनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कीमो पोल को 28वें ओवर में मात्र 0.08 सेकंड में ही स्टंप आउट करके पवेलियन भेज दिया था और अब तक के क्रिकेट इतिहास की सबसे फास्ट स्टंपिंग मानी जाती है। दूसरा, साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श को स्टंपिंग करके आउट कर दिया था। तीसरा, इस साल आईपीएल फाइनल के दौरान धोनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शुभमन गिल को 0.12 सेकंड में ही स्टंपिंग आउट कर दिया था। चौथा, साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे T20 सीरीज के दौरान धोनी ने तिलक रत्न दिलशान को 0.14 सेकंड में ही स्टंप आउट करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और पांचवा, साल 2016 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही ओडीआई सीरीज के दौरान धोनी ने जॉर्ज बेली को 0.19 सेकंड में स्टंप आउट करके एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया था। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मॉन्क बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मॉन्क की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे।